जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, समूचे उत्तराखंड के लिए देश की सरहद से निकलकर दुखद खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। ये पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। एक साथ 5 जवानों की शहादत से राज्य में शोक की लहर छा गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM पुष्कर सिंह धामी ने आतंकी हमलों को कायराना हरकत बताते हुए 5 जांबाजों को शहादत पर शोक जताया है। बता दें कि मां भारती के लाडलो बेटियों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीद जवानों के चरणों में अपरा समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है। बता दें कि उत्तराखंड के रहने वाले 5 जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हो गए। उत्तराखंड के 5 जवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। 5 शहीद जवानों में 2 पौड़ी, 2 टिहरी और 1 रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले थे। जवानों की शहादत से उत्तराखंड में शोक का माहौल है। लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ भयानक आक्रोश देखा जा रहा है। कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में टिहरी जिले के जांबाज आदर्श सिंह नेगी शहीद हुए हैं। वे कीर्तिनगर में थातीडागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी राइफलमैन के पद पर तैनात थे। 26 वर्षीय आदर्श नेगी टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थातीडागर गाँव के रहने वाले थे। वहीं उनके पिता दलबीर सिंह नेगी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। वे 2019 में भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। मां भारती के लाडले बेटे ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में रुद्रप्रयाग जिले के कांडाखाल निवासी आनंद सिंह रावत भी शहीद हो गए हैं। आनंद सिंह रावत की उम्र 41 साल थी। वो सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। उनकी शहादत की खबर आने के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। शहीद का परिवार देहरादून में रहता है। उनकी माँ और भाई गाँव में रहते हैं। बता दें कि पौड़ी जिले के हवलदार कमल सिंह भी कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। हवलदार कमल सिंह लैंडस्टाइन तहसील के पापरी गांव के रहने वाले थे। पौड़ी गढ़वाल जिले के राइफलमैन अनुज नेगी भी कठुआ आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। अनुज नेगी रिखणियाल तालुक के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। टेरी गढ़वाल जिले के नायक विनोद सिंह भी कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। विनोद सिंह जाकनीधार तालुक के चौन जसपुर गाँव के रहने वाले थे। शहीद विनोद सिंह का परिवार देहरादून के भानियावाला में रहता है। मां भारती के लाडले बेटे ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीद जवानों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आतंकी हमले की घटना सोमवार दोपहर बाद हुई थी, जब बिलावर उपजिले के बदनोता के नाले के पास सेना के 22 गढ़वाल राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। वाहन इलाके में गश्त पर था। वाहन में 10 जवान सवार थे। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, इसके बाद सेना के वाहन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस बीच आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 5 जवान घायल है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना करते हैं।